अगर आपको हजर असवद का बोसा नसीब हो जाए तो आप दोनों हाथ रख के आवाज के बगैर हजर असवद का अदब से बोसा लें और अगर बोसा नसीब नहीं होता रश ज्यादा है तो हजर असवत पे हाथ रख के उन हाथों को चूम लें और अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो हजरत असवद पे छड़ी लगा के उस छड़ी के सिरे को चूम लें और अगर यह भी मुमकिन नहीं रश ज्यादा है तो दूर से ही अपनी तलियां सीधी करें हजरत असवद की जानब और जब रुख सीधा हो जाए एक वहमी गमानी तसवराती नस्बत पैदा हुई अब हजरत असवद को आपकी तलियों ने छुआ नहीं बल्कि उसका रुख हजरत असवद की तरफ हुआ इन तलियों में इतनी बरकत आ गई अब इन तलियों को चूम लें इन उंगलियों को चूम ले इसलिए कि इनका रुख तो हजर असवद की तरफ हुआ था तो जिस पत्थर पर मेरे हुजूर के होंठ लगे जिस पत्थर पर मेरे हुजूर के लब लगे उस पत्थर को चूमना भी इबादत करार पाया और फिर अगर तुम्हें चूमने का मौका नहीं मिलता हाथ लगा के उन हाथों को चूम लो अच्छा हाथ भी नहीं लग पाए छड़ी को चूम लो छड़ी भी नहीं लग पाई दूर से इशारा करके उसकी सीध में और फिर उन हाथों को चूम लो कि जिस पत्थर पर हुजूर के लब लगे हैं उस पत्थर की तरफ हमारे हाथ सीधे हुए हैं अब उन हाथों को भी चूमा जाएगा फिर जिस गले को रसूलुल्लाह ने चूमा कैसे हिम्मत पड़ी कि उस गले को काट दिया जाए नहीं नहीं वो फकत गर्दने हुसैन नहीं थी नहीं नहीं वो फकत गर्दने हुसैन नहीं थी रसूल के बोसे काटे हैं तेरे खंजर में तुमने रसूल की बोसा गह काटी है मसाह नबी और जबी नी कुशन व जदोल जदू कहा कि ये पेशानी वो है जिस पेशानी को रसूल ने चूमा है इस गले को तो हुजूर ने चूमा है इन होटों को तो हुजूर ने चूमा है इस जुबान को तो हजूर ने चूमा है अल्लाह अकबर ये पूरा बदन हजूर के कंदों पर खेलता रहा नाजो नाहम में पला हुआ हुसैन आहोश पयम्बर का पाला हुआ हुसैन फातिमा की गोद में खेलने वाला हुसैन अल्लाह अकबर आज आप रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ती है और फिर वक्त लेना पड़ता है फिर लाइन में लग के आपको जन्ना में आधा घंटा ठहरने का मौका मिलता है लेकिन हुसैन के घर का दरवाजा रियाजुल जन्ना में खुलता जो खेलने के लिए निकले तो सामने मस्जिद नबवी का सहन है कभी पैगंबर की गोद है कभी जहरा सलामुल्ला की गोद है कभी मौलाए कायनात की गोद है ये हुसैन इबन अली हैं। हुजूर हैजूर इस्लाम गुजरते हैं और हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं तो आका करीम ने फरमाया हुसैन को चुप करवाओ इसका रोना मुझे अजियत देता है तो बताइए कि जब नेज़ों पे हुसैन इब्न अली को परोया गया तो गुम्बद खजरा में हुजूर की कैफियत क्या होगी जिनके दम से दीन का भरम कायम था जो चरागे अहले वफा हैं जो अलैहि वसल्लम की शबी थे जो अक्स जमाले मुस्तफ़ा हैं जिनको के मोहम्मद अरबी याद आते हैं जो हुजूर की गोद के पाले हुए आगोश पैगंबर के परवरदा हैं जिन्हें हुजूर अपना लुआब अता करते हैं आज उसी हुसैन को पैगंबर के नवासे को तीन दिन के उस प्यासे को करबला में जबा करने के लिए उसी रसूल की उम्मत और बर्शियां लिए टूट पड़ी है ने 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 मारिया सीने दूजे तीर दीह बरसान लग पे वाल काबे दे सजदा करने वाले हथी आप ही काबे न लग पे बेमुरत बेवफा तेरा भी क्या अफसाना है जिसने अपनी ही क्षमा को गुल किया तू वो परवाना है हुसैन तो दीन है आप दीन को ढारे हैं दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सैन मिन्नी व आना मिन हुसैन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं नबी ने जिस हुसैन को कहा कि वह मुझसे है आज उसी हुसैन को करबला के रेगजार में जबा किया जा रहा है इधर से तीर इधर से तलवार इधर से नेजे इधर से बाले इधर से बर्छियां और पैगंबर का नवासा उन बर्छियों वालों के दरमियान घिरा हुआ है वो क्या किसी ने कहा था खाक पर वो खून मुश्कू बहने लगा रेत पर इस्लाम के दिल का लहू बहने लगा इस्लाम का दिल थे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तहो उस कलब दीन को उस पनाहे दीन को शाहवार दोश मुस्तफ़ा को नवासा रसूल को पूरे बतूल को इबन अली को बरदर हसन रजी अल्लाह तिस तरह बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है अ तर्जु उम्मतन कतलत हुसैन शफात जद्द ही यौम हिसाबी वो उम्मत जिसने हुसैन को कत्ल किया वो कयामत के दिन से शफात मांगने कैसे जाएगी कैसे सवाल शफात का करेगी जिसने उनके नवासे को शहीद कर दिया वो कितना दर्नाक मंजर होगा जब कयामत के दिन सैदा फातिमा सलामल आ अपना मुकदमा लेके रब के हजूर पेश होंगी और हुसैन के खून में लुथड़े हुए कपड़े अल्लाह के हजूर पेश करेंगी के मालिक में हुसैन के खून का हिसाब मांगने आई हूँ